इस भूमंडल पर अपनी आत्मा से बढ़कर कोई प्रिय वस्तु नहीं है, इसलिए सब प्राणियों पर दया करें और सबको आत्मभाव से देखें। जो मनुष्य जीवन भर किसी भी जीव का मांस नहीं खाता, उसे निस्संदेह स्वर्ग लोक में श्रेष्ठ स्थान मिलता है। जो जीवित रहने की इच्छा वाले प्राणियों के मांस खाते हैं, वे भी दूसरे जन्म में उन प्राणियों द्वारा भक्षण किए जाते हैं। इस विषय में मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। युधिष्ठिर, मांस भक्ष्यते यस्मात् भक्ष्यिष्य तम पयहम्, अर्थात आज मुझे वह खाता है तो कभी मैं भी उसे खाऊंगा। यही मांस का मांसत्व है। इसे ही मांस शब्द का तात्पर्य समझो। इस जन्म में जिस जीव की हिंसा होती है, वह दूसरे जन्म में पहले घातक को मारता है, फिर मांस खाने वाला उसके हाथ से मारा जाता है। जो दूसरों की निंदा करता है, वह स्वयं भी दूसरों के क्रोध और द्वेष का पात्र होता है। अहिंसा परम धर्म, अहिंसा परम संयम, अहिंसा परम दान, अहिंसा परम तप, अहिंसा परम यज्ञ, अहिंसा परम फल, अहिंसा परम मित्र और अहिंसा परम सुख है। संपूर्ण यज्ञों में दान किया जाए, सब तीर्थों में डुबकी लगाई जाए और सब प्रकार के दान का फल प्राप्त हो, तो भी अहिंसा के साथ इनकी तुलना नहीं हो सकती। जो हिंसा नहीं करता, उसकी तपस्या अक्षय होती है। उसे सदा यज्ञ करने का फल मिलता है। हिंसा न करने वाला मनुष्य संपूर्ण प्राणियों के माता पिता के समान है। युधिष्ठिर, यह अहिंसा का फल बतलाया गया, अभी इससे भी अधिक उसका फल होता है। अहिंसा से होने वाले लाभ का 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं हो सकता। व्यास जी की एक कीड़े पर कृपा। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जो योद्धा महान संग्राम में जाकर इच्छा या अनिच्छा से प्राण त्याग कर देते हैं, उनकी क्या गति होती है? आप जानते हैं प्राण त्याग करना कितना कठिन है। कोई उन्नति की अवस्था में हो या अवनति की, शुभ समय में हो या अशुभ समय में, किंतु मरना नहीं चाहता, इसका क्या कारण है? आप सर्वज्ञ हैं, बताने की कृपा कीजिए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस संसार के प्राणी उन्नति में हो या अवनति में, शुभ में हो अथवा अशुभ में, जिस किसी भी अवस्था में हो उसी में सुख मानते हैं, मरना नहीं चाहते, इसका कारण बतला रहा हूँ, सुनो। इस विषय में भगवान व्यास और एक कीड़े का संवाद रूप प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है, वही तुम्हें सुना रहा हूँ। पहले की बात है, ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी कहीं जा रहे थे। उन्होंने एक कीड़े को गाड़ी चलने के रास्ते में बड़ी तेजी के साथ भागते देखा। व्यास जी संपूर्ण प्राणियों की गति के ज्ञाता और भाषा को समझने वाले हैं। उन्होंने उस कीड़े से इस प्रकार पूछा, कीट, आज तुम बहुत डरे हुए और उतावले दिखाई देते हो, कहो कहां दौड़े जा रहे हो, कहां से तुम्हें भय प्राप्त हुआ है? कीड़े ने कहा, भगवन, कोई बहुत बड़ी बैलगाड़ी आ रही है, इसी की घरघराहट सुनकर मुझे भय हो गया है। इसकी आवाज बड़ी डरावनी है, यह जब कानों में पड़ती है तो ऐसा संदेह होता है कि कहीं गाड़ी आकर मुझे कुचल न डाले, इसीलिए तेजी से भाग रहा हूँ। यह देखिए, बैलों पर चाबुक की मार पड़ रही है, वे भारी बोझ लिए हांफते हुए इधर आ रहे हैं। मुझे उनकी आवाज बहुत निकट सुनाई पड़ती है। गाड़ी पर बैठे हुए मनुष्यों के भी नाना प्रकार के शब्द कानों में पड़ रहे हैं। हमारे जैसे कीड़ों के लिए इस आवाज को धैर्य पूर्वक सुन सकना कठिन है। अतः इस दारुण भय से अपनी रक्षा करने के लिए मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। मौत प्रत्येक प्राणी के लिए दुखदायिनी होती है,
अपना जीवन सबको दुर्लभ जान पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं सुख से दुख में पड़ जाऊं, इसी भय से पलायन कर रहा हूं। व्यास जी ने कहा, कीट तुम्हें कहां सुख है? तुम तो तिर्यक योनि में पड़े हुए हो। मेरी समझ में मर जाना ही तुम्हारे लिए सुख की बात है। तुम शब्द, स्पर्श, रस, गंध तथा छोटे बड़े भोगों का अनुभव नहीं कर सकते, अतः तुम्हारा तो मरना ही अच्छा है। कीड़े ने कहा, भगवन, जीव सभी योनियों में सुख का अनुभव करते हैं, मुझे भी इस योनि में सुख मिलता है और यही सोचकर मैं जीवित रहना चाहता हूँ। यहाँ भी इस शरीर के अनुसार सब प्रकार के विषय उपलब्ध होते हैं। मनुष्यों और स्थावर प्राणियों के भोग अलग-अलग हैं। पहले जन्म में मैं एक बहुत धनी शूद्र था। ब्राह्मणों के प्रति मेरे मन में तनिक भी आदर का भाव न था। मैं पहले सिरे का कंजूस और ब्याज खोर था। सबसे तीखे वचन बोलना, बुद्धिमानी के साथ लोगों को ठगना और संसार भर से द्वेष रखना, यह मेरा स्वभाव हो गया था। झूठ बोलकर लोगों को धोखा देना और दूसरों का माल हड़प लेना, यही मेरा काम था। मैं इतना निर्दयी था कि मात्सर्यवश घर पर आए हुए अतिथियों और आश्रित जनों को भोजन कराए बिना ही केवल स्वाद लेने की इच्छा से अकेला ही भोजन कर लेता था। भय के समय अभय पाने की इच्छा से कितने ही शरणार्थी मेरे पास आते, किंतु मैं उन्हें शरण लेने योग्य सुरक्षित स्थान में पहुंचाकर भी अकस्मात वहां से निकाल देता, उनकी रक्षा नहीं करता था। दूसरे मनुष्यों के पास धन धान्य, सुंदर स्त्री, अच्छी अच्छी सवारियां, अद्भुत वस्त्र और उत्तम लक्ष्मी देखकर मैं अकारण ही उनसे जलता रहता था। दूसरों का सुख देखकर मुझे ईर्ष्या होती थी। किसी का ऐश्वर्य मुझसे नहीं देखा जाता था। मैं अपनी इच्छाओं का गुलाम था। दूसरों के धर्म, अर्थ और काम का विनाश करने को सदा ही उद्यत रहता था। पूर्व जन्म में मेरे द्वारा प्राय क्रूरतापूर्ण कर्म हुए हैं। उनकी याद आने से मुझे बड़ा पश्चाताप होता है। उस समय मुझे शुभ कर्मों के फल का ज्ञान न था। जीवन में मैंने केवल अपनी बूढ़ी माता की सेवा की थी तथा एक दिन अपने घर पर आए हुए एक ब्राह्मण अतिथि का, जो अपने जातीय गुणों से संपन्न थे, स्वागत सत्कार किया था। उसी पुण्य के प्रभाव से मुझे आज तक पूर्व जन्म की स्मृति बनी हुई है। अब मैं कोई शुभ कर्म करके भविष्य में सुख पाना चाहता हूँ। अतः जिससे मेरा कल्याण हो, वह उपाय आप ही बताइए। आप ही के मुंह से मैं उसे सुनना चाहता हूँ। व्यास जी ने कहा, कीट, तुम जिस शुभ कर्म के प्रभाव से तिर्यक योनि में जन्म लेकर भी मोहित नहीं हुए हो, वह और कुछ नहीं, मेरा दर्शन ही है। मैं अपने तपोबल से केवल दर्शन मात्र देकर तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। तपोबल से बढ़कर दूसरा कोई श्रेष्ठ बल नहीं है। मैं जानता हूँ अपने पूर्व कृत पापों के कारण तुम्हें कीड़े की योनि में आना पड़ा है। यदि इस समय तुम्हारी धर्म के प्रति श्रद्धा है, तो तुम्हें धर्म अवश्य प्राप्त होगा। देवता और तिर्यक योनि में पड़े हुए प्राणी इस कर्म भूमि में किए हुए कर्मों का ही फल भोगते हैं। अज्ञानी मनुष्य का धर्म भी कामना को लेकर ही होता है तथा वे कामना की सिद्धि के लिए ही गुणों को अपनाते हैं। अस्तु, एक जगह एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते हैं। वे जीवन में सदा सूर्य और चंद्रमा की पूजा किया करते हैं तथा वे लोगों को पवित्र कथाएं सुनाते रहते हैं। उन्हीं के यहाँ तुम पुत्र रूप से जन्म लोगे और विषयों को पंचभूतों का विकार मानकर अनासक्त भाव से उनका उपभोग करोगे। उस समय मैं तुम्हारे पास आकर ब्रह्म विद्या का उपदेश करूंगा।
अथवा तुम जिस लोक में जाना चाहोगे वहीं तुम्हें ले जाऊंगा।